बच्चे गुड मॉर्निंग। कक्षा सीबीएसई अजय हजारे चैनल पर हम प्रेपोजिशंस भी पढ़ने चल रहे हैं इंग्लिश में, और उसमें भी हम बाय और विथ का यूज देखने चल रहे हैं। बाय हम बोलते थे कि इट इज डन बाय मी, यहाँ तो बाय बस देख रहे, अंतर हो गया बच्चा। सी कट्स एन एप्पल विद नाइफ, अब यहाँ पे विद नाइफ बोला जा रहा है। एंड सेक्रेटरी कम विद मी, और दोनों के साथ भी, जबकि मी तो लिविंग हो गया और नाइफ तो नॉन लिविंग हो गया, तो बचपन की थोड़ी सी बातें में थोड़ा चेंज आएगा बच्चे यहाँ पर। चलिए देखते हैं, बाय का यूज ट्रांसपोर्टेशन के सामने भी करते हैं। बेशक इट इज डन बाय मी तो बोलते ही थे, लेकिन बाय का यूज व्हीकल्स दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के सामने भी हम करते हैं। बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन। आई विल गो बाय बस, आई विल गो बाय बस। ट्रांसपोर्टेशन बस है बच्चों, इसलिए बाय का यूज होगा। आई केम बाय कार, कार ट्रांसपोर्टेशन है, व्हीकल है, इसलिए भी हम बाय का यूज करेंगे। बेसिक यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ देखिए, नो आर्टिकल्स नो डिटरमिनर्स, कोई एंड वगैरह नहीं होना चाहिए। अब हम यदि आर्टिकल्स आ जा रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। आई एम ऑन अ बस, इसलिए बोलेंगे ऑन अ बस क्योंकि बस में आप स्टैंड अप मोड में भी आ सकते जा सकते हैं। वेयर इज आई एम इन अ कार, कार में आप खड़े मोड में नहीं जा सकते, स्टैंड अप मोड में नहीं जा सकते, इसलिए आप बोलेंगे आई एम इन अ कार। तो हमने देखा बच्चों कि ट्रांसपोर्टेशन की बात जब होती है तब हम बाय का यूज करते हैं। और आगे भी और एग्जांपल देखते हैं बच्चों क्या क्या बोल रहे हैं। यस बच्चों, हम देख रहे थे बाय का यूज, हमने देखा था इससे पहले कि हम व्हीकल के सामने भी बाय यूज करते हैं। और आगे हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन, जब बात कम्युनिकेशन की हो तब भी हम बाय का यूज करते हैं। नॉर्मली बच्चों ब्रेकेट में यहाँ दिया होता है यूज क्या करना है, आपको बाय करना है, विद करना है। तो आप जैसे ही देखेंगे ब्लैंक के बाद, यहाँ पर ये ब्लैंक दिया रहेगा, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर बाय और विद दिया रहेगा। तो ब्लैंक के बाद यहाँ पर जो माध्यम है आपका वो देख लीजिए, कहीं ट्रांसपोर्टेशन की बात तो नहीं हो रही, ट्रांसपोर्टेशन होगा तब भी बाय लग ही रहा था बाय द वे। अब यहाँ पर ब्लैंक के बाद में यदि आपको कम्युनिकेशन की बात कही जा रही है, जैसे ईमेल, ईमेल से हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से हम बातें करते हैं, टेक्स्ट मैसेंजर मैसेज हम भेजते हैं, तब भी हम बाय का यूज करते हैं। आई इन्फॉर्म यू बाय टेलीफोन, आप ब्लैंक के बाद, यहाँ पर ब्लैंक दिया होगा एग्जाम में और इधर ब्रैकेट में बाय और विद दिया रहेगा, तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर भैया ब्लैंक के बाद क्या चीज दे रखी है, टेलीफोन, तो ये कम्युनिकेशन होता है इससे भाई, तो बाय का यूज करेंगे हम। आई सेंड रिपोर्ट, आई विल सेंड द रिपोर्ट बाय पोस्ट, मैं डाक के माध्यम से आपसे कम्युनिकेशन करूंगा, मैं फैक्स के माध्यम से आपसे मैं कम्युनिकेशन करूंगा। तो जब कम्युनिकेशन दिया हुआ हो ब्लैंक के बाद और ये माध्यम ये रहे कम्युनिकेशन के, तब आप बाय पहले यूज कर लेंगे उस माध्यम से पहले। हम जब नियरनेस दिखाने की बात करते हैं कि बगल में या पास में की बात करते हैं तब भी हम बाय का यूज करते हैं। वो ऐसे बिसाइड का भी यूज हम देखे थे उस समय, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको बाय बिसाइड दोनों चीज बिल्कुल ही नहीं दी रहेगी, बाय विद दिया रहेगा, बाय और बिसाइड कभी भी साथ में नहीं देंगे। द हाउस इज बाय अ लेक, घर जो है तालाब के झील के बगल में है। कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे बगल में बैठिए। दे जस्ट पास बाय मी, वे मेरे पास से ही अभी अभी निकले या गुजरे है। तो बच्चे देख लीजिए, कम्युनिकेशन की बात हो रही है तब भी हम बाय का यूज कर रहे हैं, नियरनेस के बगल में या के पास में की बात करते हैं तब भी हम बाय का यूज करते हैं। आगे और देखते हैं बच्चों, और कहा है बाय का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। बच्चों हम देख रहे हैं यूज ऑफ बाय एंड विद। अब हम बाय का यूज प्रोफेशन की बात जब करते हैं, पेशा की बात जब करते हैं, या टेम्परामेंट की बात जब करते हैं, उसका मिजाज बड़ा ही गर्म है मिजाज। ही इज अ टीचर बाय प्रोफेशन, यहाँ पर हम किसी के व्यवसाय पेशा की बात कर रहे हैं या व्यवसाय की बात कर रहे हैं। यू आर ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, हम किसी का प्रोफेशन बता रहे हैं कि वह डॉक्टर है, वह टीचर है, तब भी ब्लैंक वाली जगह में, ये जो ब्लैंक वाली जगह है बच्चों, यहाँ ब्लैंक आएगा एग्जाम में और यहाँ ब्रैकेट में बाय भी आएगा जैसा कि मैं बता रहा हूँ, तब यहाँ पर हम बाय का यूज करेंगे। बाय टेम्परामेंट गौरी इज शाई, गौरी
अपने मिजाज से शर्मीली है। तो यहाँ पर हम टेम्परामेंट मिजाज की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, बाय का यूज करेंगे। यदि हम जब कभी कोई पेमेंट करते हैं, मेथड ऑफ पेमेंट किस तरह का है, कैश ऑन डिलीवरी ऐसा हम बात करते हैं ना कि आप कैसे पेमेंट करेंगे भाई जब अमेजन से आप कोई चीजें खरीद रहे हैं, तो उस तरह की बात जब हम करते हैं मेथड ऑफ पेमेंट क्या होगा, तो चलिए ही पेड लोन बाय चेक। जब आप किसी का लोन या कर्ज चुका रहे हैं और चेक के माध्यम से चुका रहे हैं, तब और ब्रैकेट में बाय और विद दे रखा है, तो आप बाय का यूज करेंगे क्योंकि आपका मोड ऑफ पेमेंट चेक है। इन द सेम वे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तब भी आप बाय क्रेडिट कार्ड करेंगे। अब यदि आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या करेंगे, बट नॉट बाय कैश, तब आप कैश के साथ में बाय का यूज नहीं करेंगे क्योंकि तब आप पेमेंट पैसों के माध्यम से कर रहे हैं या कैश के माध्यम से कर रहे हैं, तो यूज इन कैश, आपने इन कैश पेमेंट किया। बच्चों देखिए कि बड़े सिंपल सिंपल रूल्स हैं, थोड़े से आपको ख्याल रखने ही पड़ेंगे, याद रखने ही पड़ेंगे। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि यदि थोड़ा बहुत पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।